शरद पवार की लंगड़ी से लड़खड़ाए उद्धव ठाकरे को फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा कि वे करें तो क्या। इसी हड़बड़ाहट और घबराहट में संजय राउत क्या बोलते जा रहे हैं, ये जानना दिलचस्प है। शरद पवार ने जब ये कहा कि शिवसेना से कभी सरकार बनाने की हमारी कोई बात नहीं हुई, तब राउत शरद पवार के घर सबसे पहले दौड़कर पहुंच गए। अब वे कहते हैं कि शरद पवार को समझने में 100 जन्म लगेंगे। ये बात आखिर वे किसे कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे को या खुद को या बीजेपी को? पवार से मुलाकात के बारे में वे खुद कहते हैं कि किसानों के मुद्दे पर हमारी उनसे बात हुई। किसान की बात सोनिया कर रही हैं, पवार कर रहे हैं और अब उद्धव भी। मतलब कि किसानों के नाम की चादर में छिपकर तीनों सत्ता का खेल खेल रहे हैं। संजय राउत जब ये बात बता चुके तब उनका असली दर्द छलका। कहते हैं, जिस बीजेपी को हमने महाराष्ट्र में खड़ा किया, साथ रखा, उसने संसद में हमारी सीटें बदलवा दी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा करने के लिए बीजेपी को उन्होंने ही मजबूर किया। असल में उद्धव अब बीजेपी से फिर सुलह करने का रास्ता तलाश रहे हैं और राउत उसी वजह से अपना सुर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।